केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर टू। लास्ट टाइम हम लोग कंपाउंड्स के ट्रेंड देख रहे थे, अल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स बनते हैं जिनके अंदर हम लोगों ने सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, हाइड्रोसाइड्स वगैरह को डिस्कस किया था। आज हम लोग एक अल्कली मेटल जो कि सबसे टॉप पे आपके पास है, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम की हम लोग मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे कि सोडियम को कमर्शियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको सोडियम पे लेके जाऊं, आप इन जनरल जब भी हम किसी मेटल को हम लोगों ने ऑब्टेन करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर के अंदर से, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जब आपने आयरन ऑब्टेन करना होता है तो आप क्या करते हो कि आप मेटलर्जी करते हो हेमाटाइट वगैरह की, आयरन के कंपाउंड्स की। ठीक है, उनको आप रिड्यूस कर देते हो यूजिंग सम रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, आप इस प्रोसेस के लिए यूज करते हो ब्लास्ट या ओपन हार्ट फर्नेस के अंदर, और आप आयरन ऑब्टेन करते हो। ठीक है, तो ये तो आपके पास मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर आप कोई एक कंपाउंड लेते हो और उसके अंदर से आप अपनी मर्जी का जो एलिमेंट है उसको आप सेपरेट आउट कर लेते हो। इसी तरीके से जब आप सोडियम की बात कर रहे हो, सोडियम अगेन आपके पास मेटल है और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कोई सोडियम का कंपाउंड लोगे, और सोडियम का सबसे यूजुअल जो आप लोगों के पास कंपाउंड है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में आपको क्या ईज है इसको, मतलब ऑब्टेन आप बहुत इजीली इसको कर लेते हो, इसलिए आप इसको एज एन ओर यूज करते हो और इससे आपने क्लोराइड आयन को सेपरेट करके सोडियम आपके पास ऑब्टेन होता है। तो आप सोडियम क्लोराइड को यूज कैसे करोगे और पूरा प्रिंसिपल क्या होगा, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग डाउन सेल नाम देते हैं। ठीक है, डाउन सेल, ये डाउन सेल आपके पास देखने में कैसा होता है, ये डाउन सेल देखने में कुछ ऐसा होता है, आपके पास समझ लो कि एक बीकर होता है या एक टब होता है। ठीक है, ये जो आपको बाहर वाली सरफेस है, ये एक टब है पूरा जिसके अंदर आपका एक, ये आपका ना एक ऐसा सेल है जिसको हमने हाफ से काटा हुआ है। ठीक है, ये एक्चुअली आपको ये जो चीज नजर आ रही है ना, ये जो साइड पे आ रही है, ये पूरा एक डोम होता है, ये यूं। ठीक है, और बैक साइड पे भी ये यूं, इसके ऊपर पूरा यूं नीचे आ रहा है और दरम्यान में पूरा एक गोल सा यूं लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो इसकी बाउंड्री है इस डोम की, ये आपके पास स्टील या आयरन के गॉज होता है, आयरन स्टील या आयरन गॉज इसको हम कहते हैं, और ये एज एन प्रोटेक्टिव लेयर, आयरन स्क्रीन देखें आपको नजर आ रहा है, आयरन स्क्रीन है ये आपके पास। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है ये इन दोनों मिक्सचर्स मिक्स होने से सोडियम और क्लोरीन के। बेसिकली हम लोग करते ये हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है ना, आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है पहले हम इसको देख लेते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने अभी तक कुछ ऐसे देखे होंगे रिएक्शंस अपने अर्ली क्लासेस के अंदर जिसके अंदर आप दो, एक कैथोड और एक एनोड डाला करते थे। ठीक है, एक दरमियान में यहाँ पे लेट से कोई सोल्यूशन होता था आपके पास, दरमियान में एक आपने बाउंड्री बनाई हुई होती थी, यहां से आप एक वायर को कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, ऊपर अगर आप कोई हल्का सा बल्ब वगैरह लगाते थे तो वो बल्ब क्या करता था, वो लाइट अप हो जाता था। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक डिफरेंट दे दो, अगर डिफरेंट मेटल्स आपने यूज किए हैं, बेसिकली एक से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल के दूसरे की तरफ फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसमें भी बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ही हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस इन अनदर वे अराउंड हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम ये करते हैं कि बजाय इसके कि ये, अब इसमें ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, इसके अंदर ये हो रहा है कि केमिकल एनर्जी जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है। ठीक है, यानी ये फेरस लेट से जो है ये ऑक्सीडाइज होगा Fe, Fe+2 में, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, वो दो इलेक्ट्रॉन्स इधर अंदर से पास करते हुए कॉपर की तरफ आएंगे, और कॉपर जो है इस आयन के अंदर कॉपर आयन्स होते हैं सोल्यूशन के अंदर, तो ये कॉपर आयन्स जो है ये एक्सेप्ट करेंगे उन दो इलेक्ट्रॉन्स को, एज एन कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा और यहाँ से आयरन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, सोल्यूशन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा आयरन आयन्स की फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली ऊपर आपके पास केमिकल एनर्जी से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन की। अब इसी रिएक्शन को आप अदर वे अराउंड अगर देखो कि आप अगर कैथोड और एनोड यूज कर रहे हो अपनी मर्जी के एलिमेंट्स के, यानी आप कोई कोई भी एलिमेंट ले रहे हो चूज करते हो, और ऊपर आप कोई एक पोटेंशियल अप्लाई कर देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये अमूमन बहुत कम आप वोल्टेज ऊपर अप्लाई करते हो। अब होगा ये कि जिस साइड पे आपके नेगेटिवली चार्ज है ना, यहां से आपके इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर जाएंगे और सोल्यूशन के अंदर लेट से यहाँ पे आयरन और कॉपर ही के आयन्स आपके पास पड़े हुए हैं और ये आयरन ही और कॉपर ही का बना हुआ है, तो अब ये होगा कि जो आयरन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, और आयरन बन के डिपॉजिट होने लग जाएगा
इसके ऊपर एज एन आयरन डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है। और यहां पे आपके पास क्या होगा कि कॉपर जो है, ये जो कॉपर है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इस साइड पे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप अदर वे राउंड, अब आप कर रहे हो कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप केमिस्ट्री इनकी चेंज कर रहे हो बेसिकली। यहाँ पे वैसे कंसेंट्रेशन फेरस आयंस की ज्यादा हो रही थी कॉपर के नीचे, कॉपर आयंस जो होते हैं वो चेंज होते जा रहे थे फेरस के अंदर। अब आपका ये हो रहा है कि अब आपके फेरस आयंस चेंज होने लग गए कॉपर के अंदर, ठीक है। तो ये जो नीचे मैंने प्रोसेस लिखा है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो, ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। आप बेसिकली सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हो, और जो आपका सोल्यूशन होता है ना, ये जो अंदर सोल्यूशन, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ये अमूमन आपका उसी का कंपाउंड होता है जिसका आपने कैथोड या एनोड यूज किया हुआ होता है नॉर्मली, बट जरूरी नहीं होता कि ऐसा हो। इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए आप सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ यूज करते हो, लेकिन सोडियम क्लोराइड के अंदर आप वाटर डिजोल्व नहीं करते, एक्वस फॉर्म में नहीं होता। एक्वस फॉर्म में इस वजह से नहीं होता बिकॉज अगर ये एक्वस फॉर्म में होगा तो आपके सोल्यूशन के अंदर सोडियम के अलावा हाइड्रोजन के आयंस और क्लोराइड के अलावा आपके पास हाइड्रोक्सिल आयंस भी आ जाएंगे, और फिर होगा ये कि जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होनी होगी ना, तो फिर हो सकता है आपका सोडियम उसके पास ना जाए बल्कि हाइड्रोजन जाने लग जाए कैथोड पे, और आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली आपने रिडक्शन करनी होती है ना सोडियम मेटल के इसकी आयंस की, तो इसलिए आप लोग सोडियम क्लोराइड को इन प्योर फॉर्म यूज करते हो। अब सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इन सॉलिड फॉर्म जो है ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ये बहुत कम कंडक्ट करता है। आप ये करते हो कि पहले इसकी आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हो, आप इसको फ्यूज्ड फॉर्म में ले आते हो, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को आप लिक्विड फॉर्म में लेके आते हो, तब ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की और आयंस की जो है ना वो मोबिलिटी या उनकी मोशन बढ़ जाती है, मोशन ऑफ चार्जेस इंक्रीजेस, और उसकी वजह से फिर कुछ ना कुछ करंट के पास करने लग जाते, बल्कि एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर या लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है, मोल्टन स्टेट में। अब सोडियम क्लोराइड का जो नॉर्मली हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अराउंड 800 प्लस या 801 डिग्री सेल्सियस आपके पास होता है, ठीक है। तो अब आपको 800 डिग्री सेल्सियस पे जब आप बर्न करोगे सोडियम क्लोराइड को, और आप साथ में इलेक्ट्रोलिसिस भी कर रहे होगे, तो ये तो बहुत ही खतरनाक सा प्रोसेस हो जाएगा। इसमें ये होगा कि जो आपके सोडियम के आइंस मेटल के जो एटम्स बनेंगे ना, ये आपके एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, बिकॉज वेपराइजेशन तो आपके हर टेम्परेचर पे हो रही होती है ना, तो आपके कुछ ना कुछ वेपराइज होने लग जाएंगे और आपके पास एक मेटेलिक फॉग प्रोड्यूस हो जाएगा, मेटेलिक फॉग प्रोड्यूस होगा। तो इसको मेटेलिक फॉग से बचने के लिए हम ये करते हैं कि सोडियम क्लोराइड के अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड को, या फिर बीच में आप डाल देते हो स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को, या बेरियम क्लोराइड को, ठीक है। इन तीन को आप इस वजह से डालते हो बिकॉज इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो कम है, ठीक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होने की वजह बिकॉज इनके अंदर कंपेरेटिवली आपके पास जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी वीक है, इसके अंदर प्योर वेरी स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट आपके पास वेरी हाई है, ठीक है। तो आप कैल्शियम क्लोराइड जब डालते हो ना, तो कैल्शियम क्लोराइड आप कितना डालते हो, पहली चीज तो ये आप डालते हो ऑलमोस्ट 40% आप सोडियम क्लोराइड यूज करते हो और 60% आप कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हो, ठीक है। इसकी वजह से होता यह है कि जब ये इन दोनों का जो मिक्सचर है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है टोटल वो तकरीबन 580 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, ठीक है। और 580 डिग्री सेल्सियस पे मेटेलिक फॉग प्रोड्यूस नहीं होता, मेटेलिक फॉग नॉट प्रोड्यूस्ड। तो आपका पहला प्रॉब्लम तो हल हो गया कि आपने टेम्परेचर डाउन करने के लिए आपने क्या किया कि 580 पे आप टेम्परेचर ले आओ, मेल्टिंग पॉइंट जो है सोल्यूशन का कम हो गया। अब फ्यूज्ड फॉर्म में आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है जिसके अंदर कैल्शियम आयंस होंगे और क्लोरीन आयंस होंगे, इसी तरह सोडियम क्लोराइड है जिसके अंदर सोडियम आयंस होंगे और क्लोरीन आयंस होंगे। अब जब आपका इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगा ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस में किसी एक पॉइंट पे ऑक्सीडेशन होती है सबसे पहले, और दूसरी तरफ को आपके पास क्या हो रही होती है, रिडक्शन, ठीक है। वैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है ये मैं आपको इन जनरल यहां पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि जो ऑक्सीडेशन होती है ना वो होती है आपकी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और रिडक्शन आपकी होती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे तो इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, लेकिन फिलहाल मैं आपको इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं बिकॉज इस प्रोसेस के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं ना, तो अगर तो कैल्शियम इन मेटेलिक फॉर्म में लूं, वो ऑक्सीडाइज कैसे होगा, इस तरह दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए उसके अंदर से, ठीक है। और अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो बेसिकली कैल्शियम जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा आयनिक स्टेट में, तो ये कैल्शियम की रिडक्शन हुई है और कैल्शियम आयंस की रिडक्शन हुई है और वो कैल्शियम बन गया, ठीक है।
रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप इस चीज को कहते हो। अब आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखो, आप याद करो, फिजिक्स के अंदर आपने आई थिंक मैट्रिकुलेट वगैरह के अंदर देखा था, ये फर्स्ट ईयर के अंदर शायद, कि एक चीज होती है ईएमएफ सीरीज, स्टैंडर्ड ईएमएफ सीरीज, ठीक है, जो कि आपके पास ये है, ठीक है। इसमें ये आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं। इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ सीरीज को सिक्स चैप्टर के लेक्चर्स के अंदर आप ढूंढ सकते हो। सिक्स चैप्टर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपका चैप्टर है ना, उसके अंदर जो आपकी प्रिपरेशन वगैरह है रॉट आयरन वगैरह की, उसके अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ सीरीज के लेक्चर्स के अंदर आपको ये मिलेंगी डिटेल्स इसकी, ईएमएफ सीरीज की। तो फिलहाल हम इसको इन जनरल देख लेते हैं। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो ना इस सीरीज में, तो आपका जो एनोडिक है या आपकी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है, ऑक्सीडेशन बढ़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम जो है वो बहुत इजीली इस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है। सोडियम थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। इस तरह आप जब ये सारे देख रहे हो तो आपकी ऑक्सीडेशन है ना, ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ है, नीचे की तरफ आपकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है और ऊपर की तरफ आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब इसके अंदर आपको कैल्शियम कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, बेसिकली ये जो मैंने टेबल लिया था इसमें कैल्शियम नहीं था। कैल्शियम आपका एक वैसे बाय द वे लाई करता है पोटेशियम और सोडियम के दरमियान में, ठीक है, इस जगह पे। और कैल्शियम की जो होती है ना वो कितनी होती है, इसकी वैल्यू माइनस 2.874 होती है, ठीक है, यानी माइनस 2.7 से थोड़ी सी कम और माइनस 2.9 से थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। अब चूंकि आपका जो कैल्शियम है वो सोडियम से नीचे है, इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि फिर तो रिएक्शन कैल्शियम का हो जाएगा, सोडियम का तो होगा ही नहीं। अब मैं एक बात रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला, कैल्शियम की ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है या ऑक्सीडेशन होने की पावर जो है वो ज्यादा है मोर देन सोडियम, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि रिडक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो सोडियम की ज्यादा होगी कैल्शियम की निस्बत, और हम तो रिडक्शन की बात कर रहे हैं। सोडियम के आपके पास आयंस तो पहले से हैं, सोडियम आयंस जो है वो बेसिकली रिड्यूस होंगे तब वो सोडियम बनेगा ना। आप ये चीज आप बनाना क्या चाह रहे हो, अल्टीमेटली आपने ये चीज बनानी है, सोडियम के मेटल आयन प्रोड्यूस, मेटल्स प्रोड्यूस करने हैं, मेटल के एटम्स, और आपने किस चीज से प्रोड्यूस करने हैं, NaCl का जो सोडियम आयन है उससे। तो वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब बनेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास रिडक्शन होती है, और रिडक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो सोडियम की कैल्शियम की निस्बत ज्यादा है। तो होगा ये आपके पास कि ये कैल्शियम और सोडियम दोनों जो है ये जाने की कोशिश करेंगे रिडक्शन के लिए, और चूंकि सोडियम की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो सोडियम जो है आपका ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सोडियम रिड्यूस होके क्या बना देगा, दो सोडियम के एटम्स रिड्यूस होके दो सोडियम एटम्स बना देंगे, दो सोडियम आयंस रिड्यूस होके दो सोडियम एटम्स बनाएंगे, ये आपका रिएक्शन होगा कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर आपकी रिडक्शन होती है, ठीक है। फिर आपके पास है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आपकी किस चीज की होगी, अब आपके पास चूंकि है ही सिर्फ क्लोराइड आयंस, तो क्लोराइड आइंस जो है वो ऑक्सीडाइज होंगे, और किस तरीके से होंगे कि क्लोराइड आइंस जो है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, और नेगेटिव वन चार्ज यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लोरीन ने पहले ही इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले ही है तभी एक नेगेटिव वन चार्ज है। तो दो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एटम्स जो मिलेंगे आइंस, और ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देंगे। अब देखो ये ऑक्सीडेशन होगी, नेगेटिव वन से चार्ज इंक्रीज होकर जीरो हो गया यहाँ पे, और साथ में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली वहां पे सोडियम को जाके रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, और उसको सोडियम एटम में चेंज कर देंगे। तो ये टोटली आपके पास मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हो रहे होते हैं। ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखना चाहो तो आपके पास ये हो रहा है कि दो सोडियम के एटम्स और दो क्लोरीन के एटम्स आपस में मिल रहे हैं, और वो बना क्या रहे हैं, दो सोडियम के एटम, दो सोडियम के आइंस मिले थे ना, दो सोडियम के एटम्स बना रहे हैं, और वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स वो देंगे ना यहां से, दो इलेक्ट्रॉन वो जो इन्होंने गेन किए वो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और साथ में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के वो सोडियम और क्लोरीन गैस है। सोडियम आपकी प्योर फॉर्म में होगी, ये ऑलमोस्ट 99.9% 99.8% आपके पास प्योर होता है। आप जो मैंने आपको बताया था ना कि इस सॉल्यूशन में चूंकि आपके पास कैल्शियम भी होता है, तो कुछ ना कुछ कैल्शियम भी आपके पास रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम भी कुछ ना कुछ अमाउंट में आपके पास रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉरी एक कैल्शियम ये होगा,
कैल्शियम एक दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो कैल्शियम जो है आपके पास, कैल्शियम भी रिड्यूस होने लग जाएगा, और आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा ना वो सोडियम और कैल्शियम का मिक्सचर होगा, ठीक है। और सोडियम और कैल्शियम का मिक्सचर होगा, अब ये एक प्रॉब्लम बन गया। सोडियम की जो आपके पास डेंसिटी है ना वो 0.67 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और जो आपकी कैल्शियम की डेंसिटी है वो 2.54 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब इसकी वजह से होता यह है कि आपका जो सोडियम है बहुत लाइट होता है और कैल्शियम थोड़ा हैवी होता है, तो कैल्शियम आपको थोड़ा नीचे बैठ जाता है और सोडियम आपका थोड़ा ऊपर आने लग जाता है लाइट होने की वजह से, लेस डेंस होने की वजह से। तो आप सोडियम को अलग कलेक्ट कर लेते हो और कैल्शियम आपका सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बताऊं कि यही वाला जो प्रोसेस है पूरा, जो डाउन सेल का प्रोसेस है, डाउन सेल का प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को यूज करते हुए आप कैल्शियम भी मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। कैल्शियम मैन्युफैक्चर करने के लिए आप ये करते हो कि आप सोडियम क्लोराइड यूज करते ही नहीं हो, बल्कि आप कैल्शियम क्लोराइड या कोई कैल्शियम का सॉल्ट यूज करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो रिड्यूस होने लग जाते हैं, और उसमें आपका टेम्परेचर का भी इतना इश्यू नहीं होता, बिकॉज कैल्शियम क्लोराइड का वैसे ही टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर काफी डाउन होता है आपके पास, ठीक है। अब हम इन जनरल इसका वो देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, डाउन सेल देखने में कैसा होता है। डाउन सेल जो होता है ये आपके पास देखने में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बॉटल होती है, इधर ऊपर आपके पास एक इनलेट है जहां जिस एक ढक्कन टाइप चीज है जिसको आप खोल के बीच में सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में डालते हो, ठीक है। इधर नीचे आप लोगों ने हाई टेम्परेचर दिया हुआ होता है, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है। ये जो मेटल जिसका आपने ये कंटेनर लिया होता है ना, ये बहुत ही मतलब ऐसा होना चाहिए कि इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। फिर ये होगा कि आपका टेम्परेचर हाई करने की वजह से जो है ये मेल्ट कर जाता है सारा का सारा सोडियम क्लोराइड इसके अंदर, ये जो पूरा आपको पानी पानी सा नजर आ रहा है ये सारा फ्यूज फॉर्म में मोल्टन स्टेट में आपके पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। फिर ये जो सोडियम क्लोराइड है इसके अंदर देखिए आप, एनोड जो है, मैंने कहा था कि एक एनोड होता है जिसके ऊपर आपके पास ऑक्सीडेशन होती है, देखें एनोड आपका कार्बन का यूज हुआ हुआ है और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन किस तरह हो रही है। एनोड देखें, एनोड जो होता है ना, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हो, जे एनोड या कैथोड जो होते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि आपके एनोड या कैथोड इटसेल्फ जो है उसके ऊपर या तो एटम्स डिपॉजिट हो रहे होते हैं, एटम्स डिपॉजिट हो रहे होते हैं, या एटम्स जो होते हैं वो डिप्लीट हो रहे होते हैं या रिमूव हो रहे होते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसमें बताया था, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने आपको बताया था ये देखिए इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा और यहां से आयरन का कुछ पार्ट रिमूव हो जाएगा, लेकिन आपका ये जो दूसरा वाला सेल होता है इसमें ऐसा नहीं होता, जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस जो सिंपल जिसको हम कहते हैं ना, उसमें ऐसा नहीं होता, जो जिसमें हम खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आपके पास ये होता है कि आप एनोड किसी और मटेरियल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है हर चीज को। तो आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो चूंकि सोडियम क्लोराइड था, तो क्लोराइड आइंस जो है वो क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएंगे, और क्लोरीन गैस को सेपरेट आउट करने के लिए ये आपके पास यहाँ पे ये वायर गॉज जो लगा हुआ था, ये मैंने बोला था ना, ये वायर गॉज है आपका, ठीक है। ये वायर गॉज का काम ये होता है कि क्लोरीन को ये अलग रखे और बाकी ये जो इस साइड पे आपका सोडियम आ रहा होता है उसके साथ मिक्स ना होने दे, यहाँ पे आपका सोडियम आ रहा होता है, ठीक है। सोडियम जो आपका होता है वो कहाँ क्या है, ये आपका साइड पे ना, ये सर्कुलर रॉ, ये आपके पास ना इस तरह की, इसको टॉप से देखें तो ये इस तरह की होती है, ठीक है, इसको साइड से देखें तो आपके पास ये कुछ ऐसी चीज होती है, ठीक है। ये चूंकि हाफ आपको नजर आ रहा है इस वजह से आपको थोड़ा सा वो इस तरह नजर, ये इस तरह का एक ड्रम टाइप चीज होती है, ठीक है। और ये पूरा जो है ये आपके पास आयरन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये आयरन कैथोड होता है आपके पास, और आपके पास जो ग्रेफाइट का या कार्बन का आपके पास एनोड होता है इस प्रोसेस में, ठीक है। और बाकी आपके पास ये सोडियम यहां पे ऑब्टेन कर लेते हो इन लिक्विड फॉर्म, आपके पास यहाँ पे सोडियम आ जाता है, ठीक है। आयरन स्क्रीन का यहाँ पे काम ये है कि प्रिवेंट सोडियम एंड क्लोरीन कम टुगेदर, ठीक है। आपके जो फाइनली मैं आपको इस लेक्चर को अब हम खत्म करते हैं, साथ में आपको ये बता दूं कि ये जो प्रोसेस आप कराते हो ना, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज देनी पड़ती है, ठीक है। ये जो वोल्टेज है ये कितनी होनी चाहिए, ये जो वोल्टेज है ये आपकी होती है ऑलमोस्ट बिटवीन 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट, ठीक है। और ये बहुत ही नॉर्मल वोल्टेज है, आप 2 से 3 सेल इस्तेमाल करते हुए भी ये प्रोसेस कर सकते हो। 2-3 सेल्स आप इकट्ठे यूज करो या एक छोटी बैटरी आप लगाओ, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोलिसिस खुद ही कर सकते हो घर पे, क्योंकि घर के अंदर आपके अंदर नमक भी ऑफ कोर्स होगा, कार्बन भी आप बड़े इजीली आप कोई ऑब्टेन कर सकते हो मार्केट से, ठीक है। सबसे बड़ा इशू जो आपको घर में होगा ना ये रिएक्शन करने के लिए डाउन सेल का, सोडियम के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो इशू होगा हाई टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस का, कि आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी, ऐसा कोई कंटेनर नहीं मिलेगा जिसके अंदर आप ये प्रोसेस
करवा सकूं बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये एट होम ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अदरवाइज इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस, ठीक है। तो डेट्स इट फॉर डाउन सेल। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सोडियम की प्रिपरेशन देखी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सोडियम का आपके पास हाइड्रोक्साइड है, एक वेरी स्ट्रांग बेस है, हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, जिसके लिए हम लोग डायफ्राम डायफ्राम सेल यूज करते हैं, ठीक है।